की जुल्म सतम हुंदे रहे ने तुहाडे ते की वाक्य होए ने तंगे तलबे बड़े दित्ते जुल्म जनाब करते रहणगे। 8 महीने तुसी उहनां दी कैद च रहे हो, तुहाडे नाल जुल्म करदे रहे ने, जना करदे रहे ने, ज़्यादती करदे रहे ने। ओ एस एच ओ सी ओहदे नाल होर कौन कौन सन? दिल कजूम है, कजी एक इकराम है, होर मम्मा सुबह निकलने कदी अदालत च, कदी हस्पताल च, कदी थाने च, शाम नूं भुक्के तस्से घर जाने वापस। मेरे को हुण नहीं टुरिया जांदा, मैं धक्के खार कि हुण दिल एवें आंदा कि अपने आप नूं खुद खुशी कर लवी कि साडे कोल धक्के नहीं खाते जांदे। कोई इंसाफ मिलदा होवे तो मेरठ मिल जावे तो ठीक, जमीन साडी वापस आ जावे, ना तो मेरा बंदा खुद खुशी कर सी या मैं कर सा, मेरे बच्चे रोल जाते। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं 7 पाकिस्तान। नासरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं उकाड़ा के एक इलाका नोल प्लाट में। नासरीन, मेरे पास ये न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा है। नासरीन, आज से 2009 का ये वाक़या है। नासरीन, मेरे साथ मौजूद खातून जो है इसको एक SHO ने अगवा कर लिया। नासरीन, अगवा किया और 8 माह तक जो है वो इसको अपने पास रखा, इनके साथ जुल्म व तशद्दुद करते रहे, ज़्यादती करते रहे। नासरीन, इन पर किस तरह ये वाक़यात इनके साथ पेश आए, कितना जुल्म किया इन पर, क्यों किया गया, किस तरह से ये वाक़यात पेश आए, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, क्या नाम है आपका? आसिया प्रवीण है। माँ जी, ये दसना कि तुहाडे नाल ये जिहड़ा वाक़या पेश आया, जिहदे विच अखबार का भी पीस आया, 2009 तुहाडे नाल वाक़या पेश आया, किस तरह पुलिस थानेदार ने तुहानूं अगवा किया, कित्थे लैके गया, किन्ने अरसे तक अगवा रहे? 8 माह जी। 8 माह तक अगवा की? हाँ जी। थानेदार का नाम की सी? मम्मा दली जी। मुहम्मद अली, SHO सी? हाँ जी। अच्छा, ओदा ही रिहायश, ओदा घर कित्थे सी? नोल प्लाट जी। अच्छा, नोल प्लाट, उकाड़े दा एक इलाका नोल प्लाट। अच्छा, ओथों दा ओ रिहायशी सी? हाँ जी। ओन कीता तुहानू? ओने ना दुश्मना नाल मिल के कीता, पैसा लिया उस। अच्छा, दुश्मना नाल रल के दुश्मनी का दी सी, केड़ी वजह तो दुश्मनी है? जमीन दी ते नंबरदारी दी जी। अच्छा, जमीन दा तनाजे सी, ओदी वजह तो ओ दुश्मना दे नाल मिल के ओने अगवा कीता तुहानू? हाँ जी। किन्ने अरसे तक उन्हें अगवा करके? 8 महीने। किथे रखिया सी उन्हें? अपने घर रखे सी। अपने घर? हाँ जी। 8 महीने तक? हाँ जी। की जुल्म व सतम हुंदे रहे ने तुहाडे ते, की वाक्य होए ने? तंगे तलबे बड़े दित्ते जुल्म जना भी करदे रहणगे। अच्छा, 8 महीने तक तुसी ओ, फिर SHO नाल होर भी कोई ओदे नाल अफराद? एक अब्दुल कजूम सी, एक इकराम सी। अच्छा। ये 3-4 बंदे सी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर किवें तुसी फिर उतों मतलब ओदी कैद चो बाहर आए? उतों जी मेरा कुदा लगा तो बाहर दुकान तो मैं अपने खामिद नूं फोन किया। अच्छा। वो फिर इतों गड्डी लेके गया नाल, दो अपने थाने दे पुलिस वाले दो बंदे लेके मुलाजम गए। अच्छा। उन्दे घरों लेके आण मैनूं। अच्छा। हाँ जी। मैं ते किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 6 बच्चे, 3 बेटियां 3 बेटे जी। मियां तुहाडा की कर रहे? मियां अगे दिहाड़ी दप्पा करदा सी, तो हुण उस तो नहीं आंदा, मरीज बंदा हो गया केरे दा। अच्छा। जदों 8 महीने उन्हें तुहानू अगवा करके रखे अपने घर, तो तुहाडे घर चो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थाने वगैरह च? थाने करदा कुरदा रहा मेरा मियाँ मगरों। अच्छा। हाँ जी। उन्हें पता सी भी तुहानू मतलब कितने अगवा करके लै गए ने? नहीं, उन्हें पता नहीं होगा। अच्छा, उन्हें नहीं सी पता? जदों मैं फोन किया तो उदों गया उन्हां दे घर लैके गया मैनू, उदों उन्हें पता लगा सी। फिर वापस किवें लैके आया तुहानू? वापस उत्थों उन्हां दे घरों मैनू लैके आया नाल दो मुलाजिम है जी। अच्छा। इत्थे तोड़ घर लैके आया इत्थे। अच्छा, 8 महीने तुसी उन्हां दी कैद च रहे हो, तुहाडे नाल जुल्म करदे रहे ने, जना करदे रहे ने, ज़्यादती करदे रहे ने। ओ SHO सी, ओहदे नाल होर कौन कौन सन? अब्दुल कजूम है, कजी एक इकराम है। अच्छा। नूर मम्मा दा? नूर मम्मद, ए ओहदे दोस्त ने, ओहदे भरा ने? किंदे जी? SHO दे? नहीं, दोस्त आणगे, रात नहीं होंदे, कोई भी नहीं लगदे, दोस्त लगदे सी। अच्छा, ये सारे दोस्त ने, ए तुहाडे नाल ज़्यादती वगैरह करदे रहे ने? हां जी। हाँ जी। सिर्फ पैसा खादा तो पैसे की वजह तो पिछु मुखाले पार्टी होना, इस वजह तो भी इस पै जा सी, तो अभी मगर जमीन तो काबे जो सांगे ये सिर्फ फड़ते। अच्छा। उस तो बाद फिर मामला किवें हुए? तुसी फिर मतलब उतों आ गए ओदी कैद चो आए बाहर, तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराई ओदे खिलाफ या की? असीं करिंदे रहे इत्थे, थाने भी आउंदे रहे। अच्छा। इत्थे उकाड़ा भी जांदे रहे, अदालतां च भी रेट भी कीते, इन्हां परचा पुरचा नहीं लिया, पैसा दे ले। अच्छा। फिर मैं लाहौर पेश होंदी रही नमाज शरीफ दे, शहबाज शरीफ दे, उन्होंने मैं आर्डर उर्डर दिते, मैं इस्लामाबाद भी गई हाँ, उतो मैं आर्डर मिले, तो मेरा इन्हें परचा लिया, जो इन्हें परचा कटिया उदो इन्हें पैसा लेके मेरा परचा खारे कार छड़िया। अच्छा। उदों की धक्के दुक्के खाँदी बानी, उतो जमीन के काबज हो गए जी, जमीन हूँ काबज की हुई। जमीन थोड़ी कि
ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ 6 ਮਰਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੇ 6 ਮਰਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਬੁਕਨੇਰਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਰਸ਼ਦ ਬੁਕਨੇਰਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਬਸ ਗੁੰਡੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ रिश्तेदार ही मेरे खामे दिल का रिश्तेदार अच्छा, ने जमीन ते कब्जा किया है वो तो रिश्तेदार ने हाँ जी अच्छा ते नाल बुकनेरे नो साडे रिश्तेदार नहीं आणगे ओ सिरो पैसा इन्हां नु दे के ते पैसे दी वजह तो कर अच्छा हुण ए वेखोगे तुहानू 8 महीने तक जो है वो अगवा किया गया सी ते उस तो बाद तुसी फिर वापस भी आए उस तो बाद तुसी अपील भी की लेकिन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई तुहाडी हुण की कहना चाहोगे वजीर आला नू चीफ जस्टिस नू वजीर आजम नू की अपील करना चाहोगे दसो जरा असं यो करने साड़ी जड़ी जमीन वो वापस सानू मिल जाए नहीं तो मेरा बंदा वह भी बीमार मैं भी बीमार साढ़े कोई ना कोई खुदकुशी हो जासी जान हो जासी मेरे बच्चे रोल जास मैं बच्चे लेके कितने जासा मेरे बंदे को जान हो जासी जमीन तो अपनी नहीं ना चुकती वो अज साड़ी पहली फसल लिया के तो वह खा रहे थे असी सुबह निकलने कदी अदालतों कदी अस्पतालों कदी थाणियों शाम भुक्के तस्से घर जाने वापस कदी खा लें सौ पाने कदी एवं सौ जाने अगे तो हूँ ना मेरे मियाँ को अदालतों के चक्कर कट्टे जाते ना मेरे को मेरे को रिपोर्ट आन जी तो मेरे को नहीं टुरया जाता मैं धक्के खा रही कि हूँ दिल एवं ही आता कि अपने आप को खुद खुशी कर लगी कि साढ़े को धक्के नहीं खाते जाते कोई इंसाफ मिलता हो तो मेरठ मिल जाए तो ठीक है जमीन साड़ी वापस आ जाए ना तो मेरा बंदा खुद खुशी कर सी या मैं कर सा मेरे बच्चे रोल जा स बच्चे परदेसा तो दिहाड़ी होटलों तो करते बनते वो दें दे तो वो खाते कचहरियों भी लाते अस्पतालों इलाज जी नासिन आपने गुफ्तगू सुनी उस खातून की जिसको 2009 में एक SHO ने जो कि अगवा कर लिया 8 माह तक उसने अगवा करके अपने पास रखा हुआ था और दोस्तों के साथ मिलकर इनके साथ ज़्यादती करते रहे इन पर तशद्दुद करते रहे जुल्म करते रहे। नासरीन देखें कि उसके बाद जो ये वहाँ उसकी कैद से जब निकली हैं उसके बाद उन पर जो FIR दर्ज करवाने के लिए गए थाने में लेकिन इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई उनके खिलाफ जो है वो FIR भी दर्ज नहीं हो सकी। उसके बाद फिर ये थाने कचहरियों के बार बार चक्कर लगाते रहे जो कि आज भी ये चक्कर लगा रहे हैं थाने कचहरियों के लेकिन इनकी जो है वो आवाज़ नहीं किसी ने सुनी। नाज़रीन देखें कि उनकी इज़्ज़त भी चली गई उनकी ज़मीन भी चली गई उनको देखें कि कितने जुल्म व सितम का शिकार हुए वो लेकिन फिर भी उनकी जो है वो नहीं सुनी गई उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। नाज़रीन आप सुन रहे हैं इनकी आवाज़ आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इनकी सपोर्ट करें इनको इंसाफ मिल सके इनकी ज़मीन इनको मिल सके ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सके। नाज़रीन आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाजत।